मोर संगवारी योजना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। इस योजना के जरिए प्रमाण पत्र बनवाकर नगरीय निकायों में घर पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम साव के बयान पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने मितान योजना की शुरुआत की थी, जिन्हें सरकार ने 6 माह तक बंद करके रखे हैं। नाम बदलना इसकी मानसिक प्रवृत्ति है, नया इनोवेशन करने के बजाय कॉपी पेस्ट करते हैं। लोगों को अपने सामान्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, निवास, आय, अन्य ऐसे जो प्रमाण पत्र हैं, उन प्रमाण पत्रों को लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है। इन योजनाओं को नगर निगम और नगर पालिका में संगवारियों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने की योजना, इन नगरी निकायों के लोगों को ये प्रमाण पत्र बनवाकर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। नाम बदलना तो इनके मानसिक दिवालियेपन को बताता है। जब आपके अंदर में कोई भी रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं बसती है, आप नया कुछ इनोवेशन नहीं कर पाते हैं, करते हैं, नाम को चेंज करते हैं। यदि पुरानी सरकार के नाम को बदली कर रहे हैं, तो कम से कम जो सरकार पुरानी सरकार ने इस योजना को लेकर, निर्देशों को लेकर चालू किया था, आम आदमी को विभिन्न प्रकार के जो सर्टिफिकेट थे, विभिन्न प्रकार के जो सरकारी दस्तावेज थे, उनके घर तक पहुंचाने के लिए योजना चालू की गई थी, लेकिन 6 महीने में इसको बंद कर दिया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीने में सरकारी विभागों में काम करने की संस्कृति लगभग नष्ट हो चुकी है, और यह उसी का परिणाम।